हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय शो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का टिकटॉक स्टार्ट करते हैं और आज का जो पहला न्यूज़ है गूगल की तरफ से कि गूगल ने पार्टनर कर लिया है इंडियन रेलवे को और वो स्टार्ट करने जा रहा है इंडियन वर्चुअल टूर। इंडियन रेलवेज़ के लिए बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि विजिटर्स को पहले ही पता चल जाएगा कि कौन से स्टेशन पर कौन सी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो उनको देखनी चाहिए और यहाँ पर शायद इंडियन रेलवेज़ को बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा गूगल के साथ टाई अप करने पर। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो है ला इको की तरफ से। ला इको के जो हेडक्वार्टर है बीजिंग में जो कि चाइना में, वो हो गए हैं बिकाऊ। बिकाऊ का मतलब है वो अब बिकने वाला है क्योंकि ला इको बहुत दिनों से घाटे में चल रहा है और यहाँ तक कि वो अपने स्मार्टफोन को बहुत ही कम रेट में मार्केट में बेच रहा है। ला इको का कर्ज़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कंपनी को अब अपने कर्जे को रिकवर करने के लिए अपने हेडक्वार्टर्स और बहुत सारे एसेट्स को बेचने की ज़रूरत पड़ गई है। एक वक्त में कंपनी बहुत अच्छा कर रही थी लेकिन अब गुब्बारा फूट गया है। कंपनी को अपने एसेट्स को बेचने पड़ रहे हैं और साथ ही साथ अपने लोन को पे करने की ज़रूरत पड़ चुकी है। अगला जो न्यूज़ है वो आ रहा है बिटकॉइन की तरफ से। बिटकॉइन जो है भैया रुकने का तो नाम ले ही नहीं रहा है। उसके रेट्स बढ़ते ही चले जा रहे हैं। अब बिटकॉइन जो है लेकर आया है बहुत सारा जॉब्स। अगला जो न्यूज़ है वो आता है शाओमी की तरफ से कि शाओमी अब कह रहा है कि इंडिया में वो खोलने जा रहा है एक और मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, क्योंकि अब शाओमी चाहता है कि इंडिया में वो एक बार जो नंबर वन का क्राउन उसके सर पे आ चुका है तो वो कैसे इस क्राउन को मेंटेन रखे और जल्द से जल्द इंडिया में एक नया प्लांट स्टार्ट करेगा। दोस्तों, जो अगला न्यूज़ है वो आता है फेसबुक की तरफ से कि फेसबुक ने अपना लंदन में एक न्यू हेडक्वार्टर स्टार्ट करा है। तो इस ऑफिस में वो 800 जॉब्स प्रोवाइड करने जा रहा है। इनफैक्ट इंडिया में भी फेसबुक अब एक अपना हेडक्वार्टर खोलने जा रहा है तो यूट्यूब को वो डायरेक्ट कंपटीशन दे रहा है, इसलिए वो जगह जगह अपना हेडक्वार्टर्स और अपने आप को और भी ज़्यादा फैलाने की कोशिश कर रहा है। इंडिया में अगर हेडक्वार्टर्स खुलता है तो हम और आपके लिए मिलेगा नौकरियाँ, जो है गुड न्यूज़ फॉर अस। नेक्स्ट अपडेट जो है वो है SMS का। 25th एनिवर्सरी SMS का मनाया गया है, यानी कि 25 साल पहले जो पहला SMS सेंड किया गया था वो एक कंप्यूटर के द्वारा किया गया था और उसके बाद ये सर्विसेज स्टार्ट हो गई मोबाइल फ़ोन्स में। दोस्तों, वो ज़माना कुछ और था जब हम लोग 50 रुपया देके, 60 रुपया देके या 70 रुपया देके 1000 SMS, 500 SMS का रिचार्ज कराया करते थे और आज का ये ज़माना है कि हम लोग WhatsApp, WeChat, ना जाने कौन कौन सा चैट यूज़ करते हैं मैसेज सेंड करने के लिए। तो आज का फाइनल टिकटॉक गूगल की तरफ से आता है। गूगल ने अपना एंड्रॉयड ओरियो गो एडिशन वर्जन लॉन्च कर दिया है। ये बेसिकली आपको बजट कैटेगरी के स्मार्टफोन्स के लिए है। तो यहाँ पर जो साइज़ है एप्लीकेशन का वो 50% लेस होगा ओरिजिनल साइज ऑफ द एप्लीकेशन से। तो यहाँ पर दोस्तों आज का टिकटॉक ख़त्म होता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, साथ ही साथ सब्सक्राइब करो।